दोस्तों अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री की महान हस्ती है जिसको आज लोग भगवान की तरह पूजते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने बॉलीवुड करियर में हर तरह का अभिनय किया और दर्शक ने ज्यादातर इनके डायलॉग्स को बहुत पसंद करते हैं। इनके डायलॉग्स की वजह से इनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड के भगवान कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ किया ऐसा काम जिसको करने के बाद वो आज भी पछताते हैं। आखिर अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्या किया मिथुन चक्रवर्ती के साथ? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं बात तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद जिले में हुआ। इनको शुरू से अभिनय का बड़ा शौक था। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में फिल्म सात हिंदुस्तानी से डेब्यू किया और साथ ही इसके साथ अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों इनकी टर्निंग पॉइंट फिल्म थी जंजीर। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में इन्हें खास पहचान मिली। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में की जिनमें कुली, शराबी, मर्द, शहनशाह, शोले, अग्निपथ और खुदा गवाह जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं अगर बात करें इनकी उस बात की तो फिल्म अग्निपथ के डायरेक्टर करण मल्होत्रा काफी परेशान चल रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी फिल्म अग्निपथ सुपर डुपर हिट हो, इसलिए उन्होंने एक फिल्म में दो हीरो को साइन किया। करण मल्होत्रा चाहते थे कि दो हीरो के लेने के बाद मेरी फिल्म सुपर हिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि अमिताभ बच्चन चाहते थे कि लीड रोल के रूप में उन्हीं को ज्यादातर डायलॉग मिले और मिथुन चक्रवर्ती को साइड रोल में रखकर कुछ ही डायलॉग दिए जाए, इसलिए फिल्म में अमिताभ बच्चन को लीड रोल दिया गया। वहीं मिथुन चक्रवर्ती को एक साइड एक्टर के रूप में कुछ ही डायलॉग दिए गए। लेकिन दर्शक चाहते थे कि मिथुन चक्रवर्ती को भी इस फिल्म में ज्यादा डायलॉग दिए जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से ये फिल्म उस समय ज्यादा न चलकर फ्लॉप हो गई। तो दोस्तों आपके हिसाब से अमिताभ बच्चन को ऐसी गलती करनी चाहिए थी या नहीं, या फिर मिथुन चक्रवर्ती को लीड रोल में लेने के बाद ये फिल्म सुपर डुपर हिट होती या नहीं? आप ये दोनों राय हमें कमेंट में लिखकर बताइए और बॉलीवुड से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर डालो।